हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल शाही रसोई में। आज शाही रसोई में बन रही है बहुत ही आसान सी आलू गोभी की सब्जी। आलू गोभी की सब्जी बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई ली है। उस कढ़ाई में हम डालेंगे 4 टेबलस्पून ऑयल। अब हम उसमें डालेंगे 2 कटे हुए आलू। आलू को हम फ्राई करेंगे जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। अब उसको अच्छे से पकाने के लिए हम उसको ढक देंगे। अब आलू को हमने ढक दिया है। अब हम कुछ सेकेंड्स के लिए उसको ढकेंगे। अब हम ढक्कन खोल के चेक करेंगे कि आलू हमारे पके हैं या नहीं। आलू को चेक करने के लिए हम स्पून की मदद से आलू को तोड़ के देखेंगे। अगर आलू प्रॉपरली टूट रहा है, मतलब हमारा आलू पक चुका है, और अगर वो नहीं टूट रहा है तो हम उसको वापस से ढक्कन लगा के कुछ और सेकेंड्स के लिए पकाएंगे। अब हम ढक्कन खोल के अब हम देखेंगे कि आलू पका है या नहीं। अब हमारा आलू प्रॉपरली पक चुका है। अब हम उसको अलग से एक प्लेट में बाहर निकाल के रख देंगे। अब बचे हुए तेल में हम गोभी को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ली है 50 ग्राम गोभी। अब गोभी को भी हम उसी तरीके से फ्राई करेंगे जिस तरीके से हमने आलू को फ्राई किया। अब उसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब गोभी को हम लोग ढक देंगे ताकि वो अच्छे से पक जाए। अब गोभी हमारी ढकने के बाद एक बार हम उसको चेक करेंगे कि वो अच्छे से पकी है या नहीं। तो अभी हमारी गोभी हल्की कच्ची है तो हम उसको वापस से ढक देंगे। अब थोड़े सेकंड्स के बाद हम लोग वापस हमारा ढक्कन हटा देंगे और अब हम लोग चेक करेंगे जैसे हमने आलू को चेक किया था स्पून की मदद से तोड़ के। अब हमारी गोभी जो है वो प्रॉपरली पक चुकी है। अब हम गोभी को भी आलू की तरह बाहर निकाल के साइड में प्लेट में रख देंगे। अब हमारा जो बाकी बचा हुआ तेल है उसमें हम एक अदरक का टुकड़ा लेंगे जिसको हमने बारीक काट लिया है, और अब हम उसको हल्का सा ब्राउन होने देंगे। अब हम उसमें डालेंगे 2 ग्रीन चिलीज जिसको हमने प्रॉपरली काट दिया है एकदम बारीक, ताकि वो एक तीखा फ्लेवर आ जाए हमारी सब्जी में। अब हम साथ में लेंगे उसके 2 मीडियम कटे हुए प्याज। अब हम प्याज को भी हमारी अदरक और मिर्ची के साथ अच्छे से पकाएंगे। अब हम प्याज को तब तक पकाएंगे जब तक वो ट्रांसल्यूसेंट नहीं हो जाते, और प्याज को हमें धीमी आंच पे ही पकाना है। अब हमारा प्याज पक चुका है। अब हम उसमें लेंगे 2 कटे हुए टमाटर जिसको हमने बारीक काट लिया है, उसको भी हम धीमी आंच पे ही प्याज के साथ पकाएंगे। अब हम उसको अच्छे से मिक्स 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 करेंगे। अब हम इसको जब तक मिक्स करेंगे जब तक हमारा जो टमाटर है वो हल्का सॉफ्ट नहीं हो जाता। अब हम इसको अच्छे से पकाने के लिए ढक देंगे ताकि हमारा जो टमाटर है उसकी कच्ची स्मेल चली जाए और वो ढंग से पक जाए। अब बारी आती है हमें मसाले डालने की। अब हम मसालों में सबसे पहले डालेंगे 1 छोटा चम्मच टर्मरिक पाउडर। अब हम डालेंगे एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। फिर हम डालेंगे 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर। अब हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। अब हम अच्छे से सारे मसालों को प्याज टमाटर के साथ अच्छे से स्पून की मदद से मिक्स करेंगे, और हम इसको अच्छे से पकाएंगे ताकि हमारे मसालों की जो कच्ची स्मेल है वो चली जाए। अब हमारा प्याज टमाटर अच्छे से पक चुका है। अब हम हमारे फ्राई किए हुए वेजिटेबल्स डालेंगे जिसमें हमने गोभी और आलू फ्राई किया है। सबसे पहले हम गोभी डालेंगे। अब हम उसके बाद फिर हमारा आलू डालेंगे। अब आलू गोभी तो हमने डाल दिए हैं। अब हम सबको अच्छे से मिक्स 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 करेंगे। अब हम उसको तब तक मिक्स करेंगे जब तक वो प्रॉपरली कोट नहीं हो जाते मसालों के साथ। तो देखिए अच्छे से हम उसको कोट कर रहे हैं, और अब वो कोट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्ची जिसको हमने स्लिट कर दिया है, वो हम डालेंगे ताकि एक अच्छा सा स्पाइसी सा फ्लेवर आ जाए हमारी सब्जी में। अब हम इसको ढक देंगे और हम इसको 2 मिनट के लिए पकने देंगे, वो भी धीमी आंच के ऊपर। अब हमारी सब्जी पक चुकी है, अच्छी से रेडी हो चुकी है। अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे और अब हम सब्जी को अच्छे से घुमाएंगे, और अब हमारी सब्जी एकदम रेडी है सर्व करने के लिए। अब हम इस सब्जी को एक बोल में बाहर निकालेंगे,
और उसके बाद हम उसको धनिये की मदद से गार्निश करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू।